इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। साहब, इसके पीछे जरूर आपके किसी सिक्योरिटी अधिकारी का हाथ है। माल मैंने ऐसी जगह छुपा दिया है कि सपने में भी पुलिस वहां नहीं पहुंच सकती है। गोल्ड नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। कि तुम हो कौन? मैं कौन हूं? मैं हूं मुंबई गोल्ड मर्चेंट का सिक्योरिटी इंचार्ज सत्य प्रकाश सिंह। पहले ये तो पता चले कि गोल्ड है कहाँ। वो आदित्य तो मर गया, पता नहीं गोल्ड कहाँ छुपा कर रखा। अगर उसे मरना ही था तो पता बता कर रखा। अब जो हो गया उसका रोना बंद करो और ये सोचो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, वरना गोल्ड का एक बिस्किट भी हाथ में नहीं आएगा और हम सब एक एक करके पुलिस की गोली का शिकार बन जाएंगे। इसमें हमारा क्या दोष? हम तो ये काम करके खुद फंस चुके हैं। और फंसाया है तुमने। वो आदित्य ऐसी पहेली भुजा कर गया है कि सुलझाए नहीं सुलझे। बीस माइनस 16 12 माइनस 8 20। राठी, इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 का मतलब 30 माले की बिल्डिंग, माइनस 16 यानी 14वीं मंजिल, 12 माइनस 8 यानी 4, चौथा मार्ग या सेक्टर नंबर 4, ऐसा कुछ नहीं राठी? मुझे नहीं लगता। फिर भी जो तुम कह रहे हो उसके बारे में सोचकर देखते हैं। ये ट्विन टावर का क्या मतलब हो सकता है? सोना 30 मंजिल की बिल्डिंग में छिपाया गया। इस शहर में 30 मंजिल की बिल्डिंगें हैं कितनी? और अगर हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी बिल्डिंग का नाम ट्विन टावर है। लेकिन
लेकिन एक बात तो तय है राठी के, सोना फौरन उतारा गया और सोना जो था किसी हैंडबैग में तो नहीं था, बड़े बॉक्स में था। और इतने बड़े बॉक्स को एक पॉश एरिया में किसी पॉश बिल्डिंग में ले जाना जहां लोगों की भीड़ भाड़ है, नहीं नहीं राठी, लुटेरे इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है सर? लेकिन राठी जो मुझे लगता है, 30 का मतलब है महीने के 30 दिनों से, -16, 30 -16 यानी 14 तारीख, 12 -8 चार, 14 महीना। ऑफ कोर्स ट्विन टावर का क्या मतलब है? ट्विन टावर न्यूयॉर्क के वो ट्विन टावर जो आतंकवादियों ने गिराए थे। ऑफ कोर्स सवाल लिखने वाले ने महीने और तारीख के साथ साथ हमें ईयर साल भी बता दिया, 14 अप्रैल 2003। लेकिन सर 14 अप्रैल 2003 से गोल्ड का क्या लेना देना है राठी? 14 अप्रैल 2003 को जो शहर में घटना घटी थी, तुम उसका रिकॉर्ड निकालो। आई एम श्योर के रिकॉर्ड मिलने पर हमें इस रॉबरी का भी सुराग मिलेगा। आई एम श्योर ये आदित्य भी न जाने हमें कैसी पहली मुलझा कर चला गया। सिंह साहब, मुझे याद है कि आदित्य का नाम मैंने पहले कभी अपने धंधे में नहीं सुना। इसीलिए तो उसे मैंने अपने प्लान में शामिल किया था। उसे पैसों की जरूरत थी जो वो कभी सर्कस के मौत के कुएं में गाड़ी चलाकर कमा नहीं सकता था। क्या मतलब? वो एक चैंपियन ड्राइवर था। अगर हमें यह पता चल जाए कि आदित्य कहां रहता था, तो हो सकता है उसके घर की तलाशी लेते वक्त हमें कोई सुराग मिल जाए। मैंने सर्कस वालों से पता लगाने की पूरी कोशिश की और मुझे लगता है कि उसका पता हमें जरूर मिल जाएगा। हेलो, हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। सर्कस वालों के यहां से फोन था, आदित्य का पता मिल गया। तो फिर अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, उसके घर की तलाशी लेने मैं जाऊंगा। तुम जाओ, ठीक है, जरा संभल कर जाना, क्योंकि तुम लोगों के स्केचेस बनने के बाद खतरा और बढ़ गया। चार्ली, मुझे किसी भी हाल में राणा और जोसफ का पता चाहिए। तुम इतने सालों से पुलिस के मुखबिर हो और हमेशा मैंने तुम्हारी जान की हिफाजत की है। कुछ भी करो, लेकिन मुझे उन दोनों का पता ला कर दो। वैसे भी जब से हड़बड़ाहट में मेरे हाथों सलीम मारा गया है, करण साहब मुझसे नाराज है। मैं तुम्हारी फोन का वेट कर रहा हूं। हेलो, क्यों जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हो ना राठी? हाँ, लेकिन अरे लेकिन वेकिन छोड़ो राठी, अब से थोड़ी देर के बाद राणा जिस पते पर पहुंच रहा है वो पता लिखो राठी।
गोल्ड छुपा कर कहाँ रखा है? अच्छा वह साला मर गया, वरना इसी तरह पहेलियां बुझाता रहता। पुलिस से पहले मैं उसे गोली मार देता। इसकी फोटो यहाँ कैसे? आदित्य के घर में। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। राणा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हाथ ऊपर किए हुए बाहर आ जाओ, खुद को सरेंडर कर दो। इसका मतलब मैं फंस गया। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो अपने साथी की तरह तुम भी मारे जाओगे। राणा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। राणा, तेरा और तेरे साथियों का खेल खत्म हो गया। राणा, ओह माय गॉड, लाठी, गोली क्यों चलाई? मैंने गोली नहीं चलाई सर। ठीक कह रहे हो, गोली इसके सीने पे लगी और तुम इसके पीछे खड़े थे। इसका मतलब कि गोली सामने से आई है, यहां से कहीं से। अगर इसे गोली किसने मारी? किसने मारी इसे गोली? क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर इसी तरह सारे गुंडे एक एक करके मारे गए तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो हम क्या करें? हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गोली मैंने नहीं मारी। मैं तो उसे गिरफ्तार करने गया था। अब वो मारा गया तो मैं क्या करूं? अगर वो मारा गया है तो इसका मतलब है कि किसी ने उसे मारा है। अगर आपने नहीं मारा तो आपके डिपार्टमेंट में इसे ही किसी ने उसे गोली मारी। जी नहीं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी ने उसे गोली नहीं मारी। मैंने सभी को हिदायत दी थी कि अगर गोली चलानी हो तो सिर्फ पैरों पर चलाना। अगर गोली पुलिस ने नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? कमिश्नर साहब, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि उसे उसी का किसी साथी ने मारा है। What? इसका मतलब उसका कोई और साथी भी मौजूद था? Yes, sir, उसका एक और साथी वहां मौजूद था। और जब उसे लगा कि राणा पकड़ा जाएगा और अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस को बयान दे देगा, तो उसने उसे मार दिया। गोली चाहे किसी ने भी चलाई हो मिस्टर, लेकिन अगर सारे लुटेरे इसी तरह एक एक करके मार दिए गए तो गोल्ड तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। आपके साथ सिर्फ 3 तस्वीरें थी, उसमें से 2 खत्म हो चुकी है, सिर्फ 1 बचा है। अब तक आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो चुकी है। मिस्टर सिंह, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये गोल्ड रॉबरी आपकी सिक्योरिटी की लापरवाही की वजह से हुई? प्लीज प्लीज, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से समस्या हल नहीं होगी। इस वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से बेटर है कि हम ये सोचें कि गोल्ड कैसे हासिल होगा। एंड मिस्टर करण, आई वांट रिजल्ट्स। जो कोर्ट मिला था, अगर उसे हम सुलझा लेते तो शायद गोल्ड तक पहुंच सकते। क्या आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उस पहेली को सुलझा सके? मिस्टर सिंह, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कुछ हद तक इस कुत्ते को सुलझा चुका हूं। क्या इसका मतलब है? आप नहीं, अभी थोड़ी सी उलझन बाकी। नहीं तो मतलब क्या है उसको? सॉरी मिस्टर, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं इरादा आपको नहीं बता सकता। लेकिन आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, बहुत जल्द मैं सोने से फिर पहुंच जाऊंगा और मुझे लगता है ये करण द डिटेक्टिव का वादा है। राणा भी मारा गया, आखिर पुलिस वहां पहुंची कैसे? ये काम हाथ में लेकर हमने बहुत बड़ी गलती की। खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा,
तुम्हें पता है करण ने उस पहेली को सुलझा लिया है और बहुत जल्द गोल्ड तक पहुंचने वाला है। अगर वो गोल्ड तक पहुंच गया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, समझे? तो मैं क्या करूं? तुम उससे पूछते क्यों नहीं कि इस सवाल का जवाब क्या है? करण इतनी आसानी से हमें वो हल बताने वाला है नहीं, हमें इस सवाल का जवाब खुद ढूंढना होगा। कोई तो ऐसा होगा जो इस पहेली को सुलझा सके। यस, एक आदमी है जो इस पहेली को सुलझा सकता है। पहेली को सुलझा सकता है कौन? एडवोकेट मेहरा। जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले कि पुलिस गोल्ड तक पहुंचे हमें उस पहेली को सुलझाना होगा। हर हाल। क्या सोच रहे हैं करण साहब? राठी, 14 अप्रैल 2003 की घटनाओं में इस केस के सुराग को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम सुना? सर, गोल्ड रॉबरी से जुड़े हुए हर शख्स के बारे में हमें पूरी डिटेल मिल चुकी है। सबसे पहले सलीम मारा गया, जो वहां मोहनीश कॉलोनी में 14 नंबर के बंगले का पता पूछ रहा था। हाँ, वो सवाल सिर्फ वहां लाया था। उसके बाद राणा मारा गया, जो आदित्य सोनकर के घर उससे मिलने के लिए आया था। आदित्य सोनकर? यस सर, कभी ड्राइविंग चैंपियन हुआ करता था। यानी कि कहीं ना कहीं इनके बीच कोई तार जुड़ा हुआ है। मगर सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्म करने वाला शख्स कौन है। हाँ, तुम्हें इन्फॉर्म करने वाला पुलिस को भी गुमनाम फोन आ। लाठी, कहीं ना कहीं ये बहुत गहरा चक्कर है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। मेरा साहब, मुझे लगता है किसी का एड्रेस है, हो सकता है सोना यहीं छिपा। ये किसी का एड्रेस कैसे हो सकता? ये एड्रेस नहीं हो सकता है। ये 30-16, ये 30-16 क्या होता है? ये क्या हो सकता है? 30-30, महीने में 30 दिन होते हैं। हाँ, महीने में 30 दिन होते हैं। और 12-8 यानी 12 महीने, यानी ये चीज किसी तारीख की तरफ इशारा है। तारीख? हाँ, 30-16 यानी 14 और 12-8 यानी 4 यानी 14-4 यानी 14 अप्रैल। ये ट्विन टावर, ये अमेरिका की बिल्डिंग है जिसे सितंबर 2003 में गिरा दिया गया था। यानी 14 अप्रैल 2003। लेकिन इस तारीख से सोने का क्या लेना देना? यही तो लेना देना है। ये ट्विन टावर एक हाथ से, यानी बताने वाले ने एक हादसे की तरफ इशारा किया है। मतलब कि 14 अप्रैल 2003 को कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका संबंध आप सब लोगों से है। क्यों, क्या हुआ था? 14 अप्रैल 2003 को हमने एक घर में डाका डाला।
एक औरत, उसकी बेटी और उसका बेटा था, और हमें अच्छी तरह से मालूम था कि उस घर का मालिक 6 महीने के लिए शिप पर गया होगा। लूटपाट के दौरान उन लोगों ने हमें देख लिया तो हमें उन लोगों का खून करना पड़ा। और हाँ वकील साहब, आपने ही तो हमें, मुझे, सलीम को, राणा को इस केस से बचाया था। तो वो 14 अप्रैल की घटना। यस, वो 14 अप्रैल की घटना थी। लेकिन तुम्हें वो घर अच्छी तरह याद है जहाँ ये सब हुआ था? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो फिर हमें वहाँ चलना चाहिए। हमें वहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिले। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द मैं सोने तक भी पहुंच जाऊंगा। और मुझे तक भी, ये करण द डिटेक्टिव का वादा है आपसे। दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, 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 पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो